नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव किसी भी समय उसका ऐलान हो सकता है। तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जमीन पे वो तैयार हो रही है। खासतौर से आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिव हो करके प्रचार कर रही है। आपने देखा होगा कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल किस तरीके से वहाँ का दौरा कर रहे हैं, ऑटो वाले के घर जा रहे हैं, जो उनका वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है या जमीन पर उसको वोट में तब्दील करने की स्थिति में आप आ गई है, जैसे कि उसने पंजाब में किया। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया न्यूज गुजरात के एडिटर अभिजीत भट्ट साहब। भट्ट साहब, क्या लगता है आपको कि इस बार आप कुछ करने वाली है वहाँ पे? तिवारी जी, मैं बता दूँ तो जिस तरह से 2021 में स्थानीय निकाय का मतलब कि महापालिका का जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी पहली बार सूरत महापालिका में चुनाव लड़े और उस टाइम पे कांग्रेस के वोट जो थे, कांग्रेस की खेमे में जो सीट थी 27 सीट, वो 27 सीट उसने कांग्रेस के पास से हथिया ली और उसके कारण उसके चलते कांग्रेस को वहाँ पे 0 बैठक मिली और 27 बैठक आम आदमी पार्टी को मिली। आम आदमी पार्टी को 27 बैठक मिली उसके कारण अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत ही वहाँ पे रोड शो किया और वहाँ पे घोषणा कर दी कि गुजरात में 2022 में जो इलेक्शन होना है वो उसमें 182 सीट है, उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे घोषणा करने के बाद आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिया और ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया। करते 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 आज ऐसी नौबत आई है कि जहाँ पर भी जाओ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल हर महीने चार पांच बार गुजरात के दौरा करते वहाँ पे दौरा कर रहे हैं। लेकिन एक बात होता है, जैसे कि पंजाब में ये जो 2022 में चुनाव हुआ है, इसके पहले जब 2017 में चुनाव हुआ था तब भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत जोर लगाया था, लेकिन 2017 में वो पंजाब हासिल नहीं कर पाए। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो चुनाव वहाँ मजबूती से लड़ने जा रही है, किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाने जा रही है, ये कांग्रेस को या बीजेपी को, और जीतने के लिए लड़ रही है या माहौल बनाने के लिए, अपनी जमीन बनाने के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ तो कि जिस तरह से स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए उसमें उसने कांग्रेस के ही वोट काटे हैं, जितने भी हुए, सूरत का हो देखिए, गांधीनगर का भी देखिए, गांधीनगर में पहली बार चुनाव लड़ी थी और 22% वोट शेयर उसके आ गए थे, उसके खेमे में आ गए थे, कांग्रेस के जो थे वो सब उसके खेमे में जा रहे। तो मतलब कांग्रेस के वोट शेयर तोड़ रही है, कांग्रेस की वोट बैंक को तोड़ रही है। हालांकि जीतना हारना हो तो चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर पता चलेगा, लेकिन गुजरात में जो गुजरात की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई जाती है, जो 1960 से मैं देख रहा हूँ कि 1960 से जब से स्थापना हुई है तब से लेकिन जितने भी चुनाव हुए, थर्ड फ्रंट बहुत बार चली नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन बनाने की कोशिश करेगी लेकिन सत्ता पे आने की संभावनाएं बहुत कम जताई जा रही है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का दिल्ली से देखते हैं, दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही। इसके बाद जब यहाँ पे चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जो है धीरे धीरे साफ होती चली गई। ठीक है, ऐसे ही पंजाब में हुआ। पंजाब में जो है चन्नी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी आई तो जो है कांग्रेस जो है बुरी तरीके से वहाँ पे हारी। अब बात आती है गुजरात की, तो गुजरात में भी कहीं ना कहीं जो पीछे का इतिहास आप देखेंगे तो कांग्रेस के ही वोट बैंक को ज़्यादा खींच रही है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है उस स्पेस को आम आदमी पार्टी भर रही है। लेकिन अब इसमें ये सवाल उठता है कि क्या वो पूरे गुजरात में कांग्रेस को कमजोर करके और हसीट हथियाने की स्थिति में है या गुजरात के किसी खास पार्ट में, जैसे सूरत वाला इलाका जो साउथ गुजरात का लगता है उस पार्ट में? बिल्कुल, मैं बता दूं तो साउथ गुजरात का जो बेल्ट है उसमें सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसकी 35 सीट है, 35 सीट पे आम आदमी पार्टी ने फोकस किया है, लेकिन उसके अलावा सौराष्ट्र में जहाँ पाटीदार बेल्ट माना जाता है, पाटीदारों की प्रभाव वाली जो बैठकें हैं जिसमें 2017 में भाजपा के पास 2012 में था वो कांग्रेस ने अध्याय लिया था पाटीदार कार्ड खेल के 2017 के इलेक्शन में, और वही सीटें कांग्रेस के पास से हथिया लेने का प्रयास इस बार आम आदमी पार्टी कर रही है ताकि वो दूसरे नंबर पर आए या सत्ता पर आने की कोशिश करिए। लेकिन सौराष्ट्र में जो माहौल है वहाँ पर उसने अपना ग्राउंड बहुत बड़ी मजबूताई से बना दिया है। सौराष्ट्र और सूरत पे खास फोकस करें क्योंकि सौराष्ट्र के जो पाटीदार कम्युनिटी है वो सूरत में माइग्रेट होकर रह रही है,
तो सूरत और साउथ गुजरात के जो पाटीदार है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करके दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी मजबूती अपनी बनानी चाहती है। चलिए इसी पे हम सुन लेते हैं आईटीवी के कंसल्टिंग एडिटर हैं सुधीर एस रावल साहब, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कितनी अपनी जमीन मजबूत की है गुजरात पे, उनसे जुड़ते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी एक प्रभावशाली विकल्प के स्वरूप उभर रही है, उनमें विशेषकर युवा वर्ग है, उसमें भी जो बेरोजगार है, छोटे व्यापारी है, किसान है, गांवों में रहने वाले वो लोग जो आज डेवलपमेंट के दौर में अभी भी तकों से वंचित रहे हैं, ऐसे लाखों लोग आम आदमी पार्टी के प्रति एक आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। मैं भी गांवों में घूमता हूं, बहुत लोगों से पूछता हूं, समझना चाहता हूं। उनकी सर्वसामान्य दलील यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 27 साल से जो शासन कर रहा है उनमें ज्यादातर 24/7 वो लोग चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीवटी तंत्र भी एक के बाद एक इवेंट उसमें ही मशगूल रहता है। परिणाम यह होता है कि हमारे जो योजनाएं सरकारी है, लोक कल्याण कार्य है, वो सब उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होती है। तो जैसा कि आपने सुना, रावल साहब का भी मानना है कि अब न सिर्फ शहर बल्कि गांवों तक आम आदमी पार्टी अपने को मजबूत कर रही है। और भट्ट साहब का भी मानना है कि गुजरात में, वैसे तो पूरी गुजरात में वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन साउथ गुजरात और उसमें भी सूरत, कहा यह जाता है कि जो पिछला चुनाव हुआ था कांग्रेस और बीजेपी में अंतर बहुत कम था, वो सूरत ही था जिसने रातों रात तस्वीर बदली थी, अदरवाइज पिछली बार ही बीजेपी फंस गई थी। अब देखते हैं कि इस बार ये लड़ाई त्रिकोणीय होती है या आमने सामने की होती है, उसमें भी आम आदमी पार्टी किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और कहां तक पहुंचती है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।